देखो, हमने लास्ट टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थी, उसका न्यूमेरिकल है। इफ़ जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फाइंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस आर। तो मैं एक किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर लेके आने वाला हूँ, उस मास को आपको गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सरफेस के ऊपर अगर ये मास स्मॉल एम पड़ा हुआ है तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। और अगर आर डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस जी एम एम बाई 2 आर। तो चेंज क्या हुआ? इसमें से इसे क्या कर देना है? माइनस। तो माइनस करेंगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इसमें से माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, जी एम एम बाहर आ जाएगा, जी एम एम बाय आर बाहर आ जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी? 1। और यहां से क्या बचेगा? हाफ। 1 में से हाफ गया तो हाफ आ गया। या तो ऑप्शन इस फॉर्म में छोड़ दो, या अगर स्मॉल जी की फॉर्म में लेके आना है तो कैपिटल जी एम को क्या लिखेंगे? स्मॉल जी आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल। ये ऑप्शन आपको बुक्स में मिलेगा एम जी आर बाई 2। वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैपिटल जी की फॉर्म में मिला या स्मॉल जी की फॉर्म में मिला, जैसे भी गिवन होगा वैसे पुट कर लेना। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि करना क्या है इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में? जैसे इस क्वेश्चन को देखें, तो क्या क्वेश्चन है? रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड विद एन रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन अपवर्ड्स 10 m/s². कई लोग सोचते हैं कि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ए इज इक्वल टू -10। ना, रॉकेट में फ्यूल है, उसमें इंजन लगा हुआ है। रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, स्पीड इंक्रीज 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 करता जा रहा है और इंक्रीज करते हुए उसकी एक्सेलेरेशन नेट कितनी है? +10। फिर थोड़ी देर में उसका फ्यूल फिनिश हो गया, लेकिन अभी भी वो थोड़ी देर ऊपर जाएगा। क्यों? उसके बाद कुछ तो वेलोसिटी है फ्यूल खत्म होने पे, मान लो 600, 600, फिर 500, फिर अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा 600, 500, 300, 200 और फिर 0। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट उसने रॉकेट में कितनी अचीव की है, कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ या फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कहीं से भी निकाल दो, कुछ नहीं मेंशन, सेंटर से निकाल दो। ठीक है यहां तक? तो इस केस में सबसे पहले दो केस बनेंगे। जब तक फ्यूल है तब तक पहला केस क्या बनेगा? 1 मिनट के लिए रॉकेट के पास फ्यूल है, तो रॉकेट का टाइम बताया 1 मिनट, 60 सेकेंड, एक्सेलेरेशन 10 है। तो आप रॉकेट के लिए क्या अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट 1 मिनट में क्या होगी? एच इज 0 + ½ × AT² सॉल्व करके आपके पास 18,000 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर आएगा। तो जब तक फ्यूल है तब तक जी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं जी चेंज होगा? भाई फ्यूल है ना, वो ओवरकम करता जाएगा जी को और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखेगा कितनी? 10। तो यहां पर काइनेमेटिक्स लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18 किलोमीटर रॉकेट कवर करता है जब तक फ्यूल है। तो 1 मिनट के बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होती है? अप्लाई करो वी इज यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या है? 0। तो एक्सेलरेशन क्या है? 10 और टाइम 60, 600 m/s। अब ये सोचें, एक रॉकेट सरफेस से उड़ता है, उसकी वेलोसिटी क्या है यहां पर? 0। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है यहां पर? 0। 18 किलोमीटर एच कवर करता है, निकाल लिया। यहां पर इसकी स्पीड क्या है? 600 m/s। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। अब आपको अगर मुझे को एच डैश बताना है तो ये 18 किलोमीटर है एच, आर आपको पता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सरफेस से? एच डैश प्लस 18। और अगर सेंटर से निकालना है तो एच डैश प्लस 18 + r। तो ये हाइट निकालनी है, r तो पता ही है 6400 किलोमीटर है, बेसिकली तो एच डैश निकालना है। अब एच डैश निकालने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, क्योंकि इस दौरान हाइट बहुत बड़ी आने वाली है। मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज भी हो सकती है, तो मैं कोई काइनेमेटिक्स नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। कैसे? इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक,
और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, एच का मतलब 18 किलोमीटर है, और काइनेटिक की वैल्यू यहां पर क्या होगी? हाफ छोटा एम इंटू 600 का स्क्वायर, काइनेटिक भी होगी यहां पे। इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो जाएगी? टॉप पे जीरो, और पोटेंशियल बोलो क्या होगी यहां पर? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का डैश। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ये एनर्जी और ये एनर्जी आपस में इक्वेट करनी है, तो यही किया हुआ है, चेक करो। तो एनर्जी सबसे पहले एच हाइट पे ये रही, जहाँ वेलोसिटी 600 है ये रही, बिल्कुल टॉप पे जाके काइनेटिक जीरो होगी, एनर्जी ये हो गई। आप इसमें स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम काट सकते हैं, जहाँ कैपिटल जी एम है वहाँ स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये करेक्शन है, यहाँ कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन में जी पता है, आर पता है, आर पता है, एच 18 किलोमीटर पता है, ये भी पता है, जी पता है, आर पता है, आर पता है, एच पता है, तो क्या जाएगा? एच डैश, या एच डैश निकाल लो। एक और तरीका बताता हूँ, आप ये पूरा डिनोमिनेटर ही निकाल लो, क्योंकि फाइनल हाइट क्या है? आर प्लस एच डैश, पूरी हाइट ही आ जाएगी एक ही बारी में, आंसर आ गया। क्यों एच डैश निकालना, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी, एक ही बाइट में हाइट निकाल लो, डन हो गया। मेथड समझ में आ रहा है कि काम कैसे करना है इसमें? तो एनर्जी कंजर्वेशन से हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखें, नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला, ये करें एक बार ट्राई, प्लीज खुद ट्राई करें। तो एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, इज मूव्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ टिल इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी आर बाई टू। तो वो हाइट बतानी है क्या होगी, तो एक काम करते हैं, सरफेस के ऊपर सिर्फ पोटेंशियल होते हैं, काइनेटिक नहीं चाहिए, सरफेस के ऊपर सिर्फ पोटेंशियल कितनी है? माइनस जी एम एम बाई आर, और एच हाइट पर उसकी पोटेंशियल कितनी है? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। चेंज एनर्जी कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? एम जी आर। तो पहली इक्वेशन क्लियर है, फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, एम जी आर। सॉल्व करो और एच निकालो क्या होगा, कैलकुलेट करो, खुद सॉल्व करो और एच निकालो।
तो देखो यही किया, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जी एम एम बाहर आ गया, यहाँ से 1/r आ गया, यहाँ से माइनस आर प्लस एच आ गया, छोटे एम से छोटे एम कैंसिल हो गया, कैपिटल जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, एक आर से ये आर कट गया और एक आर से ये आर कट गया, जी से जी कट गया, सॉल्व करो, एच निकालो, एच इज इक्वल टू आर, आंसर आ रहा है, चेक करो आ रहा है। यहाँ तक हो जाएगा सॉल्व, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नॉर्मली ऐसा। क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, 2% रेडियस छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, श्रिंक्स बाय 2% का मतलब ये क्या गिवन है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये कितना गिवन है, 2%, ठीक, तो 2% है। अब एक बात बताओ, श्रिंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब कम हो गया, कम होने का मतलब ये परसेंटेज चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कम हो गया। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जी निकालना है। अब जी का फॉर्मूला होता क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में बहुत किए कि अगर एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज गिवन है और दूसरे फैक्टर का निकालना है तो एरर का रूल लगा लें। तो क्या था, डेल्टा जी बाई जी, कैपिटल जी, कैपिटल एम तो कॉन्स्टेंट है, आर का पावर 2 है तो -2 डी आर बाई डी आर, माइनस नहीं लगाना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सिंपल प्लस लगा लो, 2 डेल्टा आर बाई आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पर वैसे इसमें नॉर्मली प्योर एरर लगता नहीं है, पावर डिनोमिनेटर तो माइनस चलता है, उसका रीजन बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि परसेंटेज चेंज क्या गिवन है, -2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, वो इसलिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। आप अगर माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, कुछ मत करो, आप अपना वेरिएशन यहाँ से देख लो कि अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो जी नेगेटिव कम हो जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे प्लस, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस देखना हो कैसे चेक करना है, एंड में चेक कर लिया करो, अगर ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा ही होगा, प्लस ही आएगा, और अगर ये ज़्यादा हो रहा है ये कम ही होगा, बात ही खत्म हो गई। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट तरीका है, कोई एग्जैक्ट तरीका थोड़ी ना कैलकुलेट करने का, तो अप्रोक्सीमेटली ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्किंग कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, रॉकेट इज फायर्ड विद स्पीड ऑफ वी इक्वल टू 2 × √gr, इतनी स्पीड से रॉकेट को फायर किया गया नियर अर्थ सरफेस, एंड मूव अपवर्ड, ऊपर जा रहा है रॉकेट, मतलब थ्रो किया बेसिकली, तो ऊपर फेंक दिया अगेंस्ट ग्रेविटी, इतनी जोर की फेंका कि वो इंटरस्टीलर स्पेस में चला गया, चांद सितारों के पास, बहुत दूर, बहुत दूर को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, तो इंटरस्टीलर का मतलब डिस्टेंस इन्फाइनाइट पे चला गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो बताओ उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी वहां जाके,
तो देखो जी तो पता नहीं कितनी वैल्यू चेंज कर गया होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा चलेगी। सरफेस के ऊपर एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर से फेंका था। सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। इंटरस्टीलर स्पेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आर अगर इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। तो एम एम और एम कैंसल, रादर कैपिटल जी एम को पुट कर दिया करो स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो एम एम और एम कैंसल, सॉल्व करके वेलोसिटीज की रेशियो आ गई। आपको v, ये वेलोसिटी गिवन है 2 इनटू अंडर रूट ऑफ जी आर, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा आंसर। पर मेथड समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में भी क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। आपने एक चीज नोट कर ली होगी, डिस्टेंस गिवन हो वेलोसिटी निकालनी हो, या वेलोसिटी गिवन हो डिस्टेंसेस निकालने हो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, टोटल एनर्जी को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? एक्सक्यूज मी सर, जी बोलो। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक बार माइनस प्लस साइन वाला बता दो। वो माइनस प्लस में क्या प्रॉब्लम है, वो ना अप्रोक्सीमेट तरीका है। अगर मैं एरर का रूल लगाता हूँ तो आप ना यहाँ प्लस ही रखें, फिर कुछ मत करें। तो आप एरर के रूल में ही बता रहा था, हम प्लस रखते हैं ना, प्लस ही रख के चलो। तो आपको ये पता है, आप इसमें भी कुछ मत करो, आप इसमें भी मैग्नीट्यूड ही पुट कर दो 2%, तो आपका आंसर 4% आ गया। फिर एंड में बस ये देख लेना, सब कुछ पॉजिटिव लेके काम करो, एंड में देख लेना अगर आर कम हो रहा है तो जी बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, बस ये कह रहा था। नहीं तो माइनस प्लस, क्योंकि ये ना अप्रोक्सीमेट तरीका है, एग्जैक्ट तरीका कोई नहीं है, तो इसलिए आप इसको प्लस माइनस से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, यस। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये जो इंटरस्टेलर स्पेस वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को क्यों नहीं जीरो लिया? वहां पे वेलोसिटी होगी क्योंकि पार्टिकल की, रुकेगा थोड़ी ना सर पार्टिकल। इन्फिनिटी तक जा रहे तो फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप किसी भी चीज को स्पेस में छोड़ते हो तो वी वेलोसिटी से चलती रहेगी कांस्टेंट, वी वेलोसिटी से चलेगी ना, रुकेगी क्यों? ठीक है ना? ओके सर। अगर आर इन्फिनिटी है, ठीक है यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कैपिटल आर, तो अर्थ सन के आसपास घूम रही है, कितने रेडियस में घूम रही है, कैपिटल आर। एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज कैपिटल टी, तो एक चक्कर अर्थ कितनी देर में काटती है, कैपिटल टी। क्या निकालना है, मास ऑफ सन।
अर्थ अगर सर्कल में घूमती है तो अर्थ के पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रिपेटल, अर्थ का मास आर ओमेगा स्क्वायर। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपेटल? सन जो खींच रहा है अर्थ को, कितनी फोर्स है? जी, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर, यही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपेटल। इक्वेट कर दिया, मास ऑफ अर्थ कैंसल, ओमेगा क्या है 2 पाई बाय कैपिटल टी, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये टर्म आ गई, मास ऑफ सन निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मास ऑफ सन आ गया। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में सारी चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमेगी तो सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा।